राजमौली रियल स्टोरी में बनी फिल्मों से किससे हाथ मिलाना चाहते हैं राजमौली RRR के लिए? कौन है रॉबर्ट टॉम्स? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। राजमौली आज के समय में हर जगह छाए हुए हैं और हर तरफ बस उन्हीं की बातें हो रही हैं, जिसकी एक ही वजह है, वो है एक के बाद एक हिट फिल्में देना। उनकी 2022 में आई फिल्म RRR जिसकी रिकॉर्ड कमाई की तुलना दूसरी बड़ी फिल्मों से की जा रही है और अब फैंस इसके सीक्वल की डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए राजमौली ने हामी भर दी है। इस बार वैसे तो फिल्म की कहानी ऐतिहासिक वीरों रामालू राज और कोडर मां भीम के ऊपर बनी थी और फिल्म के जरिए हमें दो वीरों के बारे में पता चला था, पर राजमौली पहले ही क्लियर कर चुके थे कि फिल्म की कहानी असली वीरों के जीवन में क्या हुआ था उसको नहीं दर्शाती है, पर इस फिल्म को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ऐसे में राजमौली इसके दूसरे पार्ट के लिए एक फिक्शन कहानी की तलाश में है, जहां उनकी कहानी इंडिपेंडेंट होगी और फिल्म की कहानी को वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी हाल ही में आई फिल्म शमशेरा से राजमौली काफी प्रभावित हुए हैं और उन्हें इसी फिल्म से ऐसा आइडिया आया है, पर फिलहाल ऐसा करने के लिए उन्होंने हामी नहीं भरी है। चूंकि उनके पिता इसकी दूसरे पार्ट की स्टोरी में काम करने वाले हैं, वे दोनों शमशेरा जैसा कॉन्सेप्ट लाने पर विचार कर सकते हैं। हमें खबर में ये भी सुनने को मिला है कि अजय ने भी अलग अलग राज्यों के फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर फिल्म बनाने का काम शुरू किया है, जिसमें उनके फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर सीरीज की पहली फिल्म है, जिससे हाल ही में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। और अजय भी इस सीरीज की दूसरी फिल्म के लिए नई कहानी और नए फ्रीडम फाइटर की तलाश में है। ऐसे में राजमौली और अजय RRR के लिए हाथ मिला सकते हैं। जी हाँ, और अगर बात करें फिल्म RRR की, तो इस फिल्म से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी अभी सामने आई है। जी हाँ, जिसमें ब्रिटिश प्रोफेसर रॉबर्ट टॉम्स, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन्होंने इस फिल्म की कड़े शब्दों में निंदा की है। जी हाँ, और फिल्म की हुई पब्लिसिटी से ज्यादा वे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म में ब्रिटिशर्स को जैसे अत्याचार करते हुए फिल्म में दिखाया गया है, वैसा वास्तविकता में कभी हुआ ही नहीं और फिल्म में सारे दृश्यों को फालतू और बेफुजूल बताया गया है। उनका ये भी कहना है कि हमने पिछली कुछ शताब्दियों में दुनिया में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इतने सालों में हमें कई नए दोस्त भी मिले और हमने नए दुश्मन भी बनाए हैं। ऐसे में कई देश हमें खलनायक की भूमिका में दिखाकर अपनी झूठी वीरता की मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे दिखाते हैं। उनके अनुसार RRR हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, जो भारतीय संस्कृति और राजनीति पर हावी होती जा रही है और भारत की मौजूदा सरकार उसको हवा देती है। इसी कारण RRR फिल्म इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताती है और साथ ही वे सिंथेटिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। नेटफ्लिक्स इस फिल्म को बढ़ावा दे रही है, जो कि काफी शर्म की बात है। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में काफी गर्मा गर्मी हो गई और उन्हें काफी खरी खोटी सुना दी गई। जी हाँ, और एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि यदि ब्रिटिशर्स के पूरे अत्याचार को फिल्म में दिखा दिया जाता तो तुम शर्म से झुक जाते। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? इस वीडियो को आप अपने कमेंट से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही लाइक और शेयर भी आपको करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मूवी से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हाँ, बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।